नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और आज मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ हमारा खास प्रोग्राम हाई अलर्ट, जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के साथ हुए उस बीमारी के बारे में, जिसका सच पता लगते ही वो तुरंत बिना देर किए हुए, बिना एक सेकेंड की देरी के ही वो विदेश यानी कि न्यूयॉर्क में जाकर इलाज कराने के लिए चली गई। जी हाँ, जो खबर आई है वो ये है कि सोनाली बेंद्रे को हाई ग्रेड कैंसर हुआ है, जिसे लेकर तमाम सवाल है फैंस के जहन में। तो आज इसी को लेकर हम आपको बताएंगे कि आखिर किस वजह से ये बीमारी अचानक कोई भी इसी के चपेटे में आ जाता है, जिसके लिए आज आप सभी के बीच और हमारे बीच मौजूद है श्रुति। और श्रुति बताएंगी आपको इस बीमारी के बारे में कौन कौन सी खबर अब तक आई है, इस बीमारी की वजह क्या है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे इस बीमारी की वजह के बारे में, साथ में इनके सिम्टम्स क्या है। तो पहले जानते हैं श्रुति से, सोनाली बेंद्रे को कौन सी बीमारी हुई है। श्रुति, क्या कहना है आपका? सोनाली बेंद्रे को एक हाई ग्रेड मेटास्टेटिक कैंसर हुआ है, जो कि काफ़ी सारे लड़कियों में हो जाता है। अगर हम देखें तो मनीषा कोइराला को भी ये बीमारी हुई थी। ठीक है, श्रुति को रोकते हुए हम आपको पहले बता दें कि ये जो बीमारी है हाई ग्रेड कैंसर, ये खासकर महिलाओं में होती है। हाई ग्रेड कैंसर महिलाओं में ही खासकर पाई जाती है, और इसकी वजह ये है कि महिलाओं में के शरीर में जो पार्ट होता है, जिसे ओवरी कहते हैं, उसके अंदर ये कैंसर आती है और इसके कई सिम्टम्स हैं। तो इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले श्रुति आपको बताएगी कि सोनाली को इस बीमारी के बारे में कैसे पता चला। हाई ग्रेड कैंसर के 10 सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से मैं आपको आज एक एक करके सारे सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ। हाँ, तो श्रुति आपको ये बताएगी इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरह आप अलर्ट हो सकते हैं, हर महिला या फिर कोई भी लड़की इस बीमारी को लेकर पहले ही अलर्ट हो सकती है। सिम्टम्स इसके एक नहीं, 10-10 है। अब तक जो एक्सपर्ट्स की राय मिली है उस बारे में हम बात करेंगे, श्रुति आपको बताएगी उस 10 सिम्टम्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सोनाली बेंद्रे को इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब उन्हें अचानक पेन हुआ। उन्हें अचानक जब पेन हुआ तो वो तुरंत डॉक्टर के पास गई। इससे पहले बिल्कुल भी उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कभी सोचा तो क्या, उन्होंने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि उन्हें इस तरह की बीमारी हो सकती है। खैर, इस बात की उम्मीद तो किसी को नहीं होगी। तो चलिए पहले जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। पहले सिम्टम के बारे में श्रुति क्या कहती है, सुनिए। पहला जो सबसे मेन सिम्टम होता है वो होता है अगर आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो और काफ़ी बार होता रहे, मतलब हर दिन आपको जो है बैक में पेन होता रहे, तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है कैंसर का। अच्छा, तो श्रुति ने कहा दोस्तों, ये जो बैक पेन है ना, खासकर देखा होगा आपने, बैक पेन जो होता है वो महिलाओं में 30+ के बाद शुरू होता है। 30 से पहले इसकी उम्मीदें बहुत कम होती है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि 30 से पहले बैक पेन की चांसेस महिलाओं में या लड़कियों में पाई जाती है। महिलाएं जो 30+ होती है वो बैक पेन से काफ़ी ज़्यादा गुजरती है, जिसकी वजह ये बताई जाती है बहुत ज़्यादा वर्कलोड या कंटिन्यू खड़े होकर रहना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड के साथ काम में काफ़ी ज़्यादा खुद को टाइट रखना, जिसको कह सकते हैं। और सोनाली बेंद्रे जिस उम्र से गुजर रही है, इस उम्र में बैक पेन कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में उन्होंने हो सकता है इसे इस पर गौर ना किया हो। लेकिन महिलाएं, आप, जी हाँ, आप लड़कियां जो भी हैं, आप महिलाएं इस पर गौर करें, और आपको बिल्कुल अगर हल्का सा भी इस चीज़ का अंदाज़ा है और अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं, तो बैक पेन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो दूसरे सिम्टम के बारे में क्या कहना है? दूसरा सिम्टम है एब्डोमिन पेन, जो कि एब्डोमिन ये पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे अगर आपको पेन होता है और वो भी रेगुलरली होता है, तो आप सतर्क हो सकते हैं। ठीक है, एब्डोमिन पेन और बेसिन पेन, ठीक है, श्रुति ने जो कहा एब्डोमिन पेन और बेसिन पेन के बारे में, इस बेसिन पेन के बारे में आपको बता दें, एब्डोमिन पेन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे, लड़कियों को खासकर होता है, महिलाएं नहीं बल्कि लड़कियां, और खासकर 15+ की लड़कियां जो होती है, 15, 16, 17, 18, उसमें 20 से लेकर 30 की एज की लड़कियों को भी एब्डोमिन पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में सोनाली बेंद्रे का इस उम्र में इस पेन से भी गुजरना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो अगर आपको भी इस तरह के पेन है, तो आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें। अब बढ़ते हैं तीसरे सिम्टम्स की तरफ। श्रुति, तीसरे सिम्टम्स के बारे में क्या कह रहा है? तीसरा सिम्टम है इरेगुलर साइकिल, जो लड़कियों को पीरियड्स होता है, अगर वो इरेगुलर है तो भी ये एक कैंसर का सिम्टम है। तो दोस्तों, आपने सुना, श्रुति ने बताया हाई ग्रेड कैंसर जो है
जो सोनाली बेंद्रे जिस कैंसर से गुजर रही हैं उसकी एक वजह, एक सिम्टम ये भी है, इरेगुलर साइकिल, जो आज की डेट में महिलाएं नहीं बल्कि खासकर जो लड़कियां हैं, जो स्कूल एज की लड़कियां हैं, या फिर यू कह लीजिए कि कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, या फिर मैरिड वुमेन हो, इरेगुलर साइकिल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और इसे लेकर कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अलग अलग सिम्टम्स होते हैं इरेगुलर साइकिल्स के, ये कभी कभी होता है कि वीकनेस की वजह से भी होता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि इरेगुलर साइकिल को बिना इग्नोर किए हुए तुरंत से तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है वुमेंस की, गर्ल्स की बॉडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में साइकिल जो गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, कोई भी वुमेन के लिए जो कहते हैं ना गुड लक, गुड लक या फिर कहें कि लकी गर्ल कहलाती है जिन्हें साइकिल होता है, ऐसे में साइकिल को बिल्कुल भी आप आम ना लें। इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है रेगुलर साइकिल का मतलब ये है टाइम टू टाइम पीरियड ना आना, टाइम से पहले आ जाना या फिर टाइम से ज़्यादा देर में आना। एक महीने में जो एक बार जो साइकिल आता है वो अगर आपको दो महीने में होता है या फिर एक महीने से पहले ही हो जाता है, 15 दिन के अंदर अगर साइकिल का आप सामना करते हैं तो इसे डॉक्टर से संपर्क करके ज़रूर से ज़रूर पता लगाएं क्या ये सिम्टम आपको आगे जाकर घातक साबित करता है। तो आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को संपर्क करें। अब बढ़ते हैं आगे की एक और सिम्टम की तरफ। अगला सिम्टम जो है वो है फ्रीक्वेंट टायर्डनेस। टायर्डनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं इसके वजह से भी जो है हम टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको इन सारे सिम्टम्स के साथ एक और ये सिम्टम भी है तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको तुरंत से तुरंत चेकअप कराना है। श्रुति ने सही कहा, टायर्डनेस आज बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। कुछ भी हो सकता है टायर्डनेस की वजह, माइंड टायर्डनेस हो सकता है, काम, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, आज वर्किंग लेडी के साथ ये कॉमन बात है कि वो टायर्डनेस फील करती है। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, उनके साथ टायर्डनेस वाली जो भी बात होती है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, वर्किंग लेडी है वो। ऐसे आप और हम जैसे कई महिलाएं हैं जो हम वर्किंग लेडी होती हैं या फिर लड़कियां जो स्कूल गोइंग गर्ल है, कॉलेज गोइंग गर्ल है, उनके साथ भी टायर्डनेस की प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि टायर्डनेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होने की कोशिश करती है, लेकिन इसे इग्नोर ना करें। अगर कंटिन्यू आपको ये टायर्डनेस वाली प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, थोड़ा सा भी काम के बाद टायर्डनेस फील करते हैं, तो इसे इग्नोर करने के बजाय आप डॉक्टर से संपर्क करें। क्या ये अंदरूनी किसी बीमारी की तरफ इशारा तो नहीं? जैसा कि हमने आपको बताया सिम्टम्स हाई ग्रेड कैंसर को लेकर है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आप बार बार टायर्डनेस फील कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सिम्टम्स की तरफ। श्रुति, अगला सिम्टम क्या है? अगला सिम्टम है गैसेस की प्रॉब्लम होना और फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग होना। ओके, तो श्रुति ने कहा आपको कि गैसेस की प्रॉब्लम, वैसे तो कहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम एसिडिक होती है, एसिडिक प्रॉब्लम होती है बॉडी में, बहुत लेट तक खाना खाना या फिर फास्ट, ये सारी चीज़ें जो महिलाएं कॉमन इसको इग्नोर करती है, डाइटिंग की वजह से भी बहुत लोग सोचती हैं ऐसी महिलाएं कि डाइट कर रहे हैं तो गैसेस प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ स्टॉमक से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों आपको बता दें हम बात कर रहे हैं हाई ग्रेड कैंसर के बारे में, और इसे लेकर ही जो अलर्टनेस जारी की गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से, उसका एक सिम्टम्स गैसेस भी है और दूसरा क्या बताया था श्रुति आपने? दूसरा बताया था वॉमिटिंग। जी हाँ, वॉमिटिंग के बारे में, वॉमिटिंग वैसे तो कॉमन, आपको अगर फीवर है, कुछ भी है, पेट में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकता है, लेकिन हमारा जो पेट है वो एब्डोमेन और जो भी हमारी बॉडी है वो हर तरह से जुड़ा हुआ है, अपर पार्ट लोअर पार्ट हर चीज़ से हमारा स्टॉमक जुड़ा हुआ है, हर चीज़ का केंद्र स्टॉमक है। ऐसे में स्टॉमक की प्रॉब्लम को आप यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते, ये आगे जाकर कौन सी बीमारी की वजह बन सकता है इसका हमने आपको उदाहरण दिया है कि हाई ग्रेड कैंसर का सिम्टम है ये, बार बार वॉमिटिंग होना या फिर गैसेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना। अच्छे डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, इसकी वजह हाई ग्रेड कैंसर भी बन सकती है। एक और चीज़ मैं आपके पॉइंट में ऐड करना चाहूँगी कि जब एसिडिटी होती है तो ऑटोमेटिकली हमें वॉमिटिंग होने लगती है, तो अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप ये सोच के ना इग्नोर कर दें कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बल्कि अगर इन सिम्टम्स के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क करें। हम आपको ये भी बता दें ये खासकर महिलाएं और लड़कियों के लिए है, ये खासकर हाई ग्रेड कैंसर जो महिलाएं और लड़कियों में अचानक हो जाती है, ये बिना अलर्टनेस के साथ, आपको बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली
बेंद्रे, वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा फिट रहती हैं और फिटनेस इंस्पिरेशन वो तमाम एक्ट्रेसेस के लिए है, तमाम अपनी फीमेल फैंस के लिए। ऐसे में वो फिटनेस और डाइट सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद अगर इस तरह की बीमारी के चपेटे में आ सकती है, तो आपके लिए ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, या यूँ कह लीजिए कि एक अलर्टनेस है जो आप सोच सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को इग्नोर करने की बजाय, छोटे छोटे से पेन को इग्नोर करने की बजाय, अगर डॉक्टर के संपर्क में बिना देर किए बचाए, तो हम ऐसी बीमारी के चपेटे में आने से खुद को बचा सकते हैं। तो श्रुति, ये सारी जो सिम्टम्स थे, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब मुझे लगता है दर्शकों को ये बता देनी चाहिए कि जो सोनाली बेंद्रे की बीमारी है, वो कहाँ कौन सी स्थिति पर है। जो सोनाली बेंद्रे की बीमारी है वो अभी फोर्थ स्टेज पे है, जिसको कहते हैं फोर्थ ग्रेड कैंसर। इसमें होता ये है कि बॉडी जो है वो जो कैंसर है वो उसके लास्ट स्टेज में होता है। तो श्रुति को रोकते हुए आपको बता दें कि फोर्थ स्टेज हाई ग्रेड कैंसर पे सोनाली बेंद्रे है, मतलब साफ है कि उन्हें पता ही चला उस वक्त इस बीमारी के बारे में जब वो फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया। उनका कैंसर जब फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया, पहला दूसरा तीसरा नहीं, फोर्थ स्टेज, जिसको कहते हैं कि एडवांस कैंसर हो जाना, इस स्टेज पर आकर पता चलना, मतलब फ्रीक्वेंट इसके लिए इलाज के लिए जाना, मतलब दर्शकों या दोस्तों या यूँ कह लीजिए कि आप जो हमारी महिलाएं फैंस हैं, आपके लिए ये अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलर्ट रहने की। जो भी हमने सिम्टम्स आपको बताए वो कॉमन चीज़ें हैं जो अमूमन महिलाएँ फेस करती हैं, बहुत बड़ा सिम्टम नहीं है ये। पेन होना, एसिडिटी होना, गैसेस का प्रॉब्लम होना, वॉमिटिंग होना, एब्डोमेन में पेन, बैक में पेन, ओवरऑल जो है ना हमारा लोअर पार्ट, बैक पार्ट और जो मिडिल पार्ट है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हाई ग्रेड कैंसर एक नतीजा बन सकता है। तो इस कैंसर के चपेटे में आने से पहले आप सभी अलर्ट रहें। और अब इस प्रोग्राम का ही हमें वक्त आ चुका है अंत करने का, क्योंकि आज हमने आपको सिर्फ अलर्टनेस दी है, लेकिन फिर लौटेंगे आप सभी के बीच इस प्रोग्राम को लेकर अगले एपिसोड में, ऐसे ही कुछ खास जानकारी को लेकर, कैंसर, हाई ग्रेड कैंसर को लेकर जो रीसेंट अपडेट और एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है, उससे आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए मुझे और श्रुति को यहीं पर दे दीजिए इजाजत।